अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व सांसद जन नेता सज्जन सिंह वर्मा अपने दर्जनों गाड़ियों के भव्य काफिले से आष्टा से कन्नौद रोड होते हुए आष्टा विधानसभा क्षेत्र के सिद्दीकगंज पहुँचे, जिसमें दर्जनों गांवों एवं जोड़ पर उनका ग्रामीण जनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं ग्राम सिद्दीकगंज की जनसभा में भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी से उन्होंने उपस्थित जनमानस को संबोधित कर अवगत कराया और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को प्रचंड मतों से जिताने की अपील कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में बनने वाली कांग्रेस सरकार में सहभागिता निभाने का आह्वान किया। जनसभा को सज्जन वर्मा के करीबी वरिष्ठ नेता जगदीश चौहान ने भी संबोधित किया। बाबा साहब के विचारों को मिटाने वाले, बाबा साहब के विचार तो जाने कितने सदियों तक भारत की हवाओं में घूमते रहोगे, उनके विचारों को तुम से नहीं मिटा पाओगे। लेकिन यदि तुमने जरा सी भी कोशिश करी तो इस दुनिया से तुम मिटा दिए जाओगे। मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, हमारे क्षेत्र के पूर्व सांसद एवं क्षेत्रीय परमादानी सज्जन सिंह वर्मा जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे। इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय कैलाश परमार जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय बलबीर तोमर जी, महिला कांग्रेस की सम्मानित जिलाध्यक्ष हमारी एटा आदरणीय गुलाब भाई ठाकुर जी, हमारे समस्त उम्मीदवार साथी, हमारे चारों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कृपाल सोलंकी जी, आदरणीय जितेंद्र चौधरी जी, आदरणीय महेश कुंडी खड़ी जी और सर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय जय भाई गुड्डू जी, मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी जैसा नाम है वैसा काम है। सज्जन सिंह वर्मा जी के नाम के आगे सज्जन है। आज का विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने अपने परिवार की तरह माना है, परिवार की तरह समझा है और परिवार की तरह व्यवहार किया है। उदाहरण के लिए छोटी सी बात करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। ये सिद्दीकगंज छात्रों से सिद्दीकगंज दोबारा की सड़क, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी जब लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे और एक व्यापारी की किसान की थाली सोयाबीन से भरी हुई जब इस सड़क के ऊपर वो सड़क के ऊपर वो सोयाबीन की थाली बड़े बड़े कट्टों में गिर गई, आदरणीय सज्जन भैया ने संगठन के लोगों को और मुझे स्पेशल बोला कि वहां जाओ और जाकर देखो। मैं यहां आया, कई लोगों से आदरणीय वकील साहब के साथ थे, यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ थे, वो हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से वो काम किया। हमने देखा कि सड़क में भयानक कट्टे हैं, इस सड़क में भयानक कट्टे हैं। हमने भैया को बताया कि भैया ऐसी ऐसी परिस्थिति है और बहुत बड़े बड़े कट्टे हैं और एक बेकारी किसान की थाली सोयाबीन से भरी पलट गई। तो भैया ने कहा कि चिंता मत करो, मैं अभी के अभी सड़क तो सुदृढ़ करा रहा हूं परंतु साथ में देशभक्त का काम आदेश दे रहा हूं। अभी आप लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे, आपने जल्दी से जल्दी मेरे ख्याल से करीब 30 लाख रुपए इस सड़क के पेशवर्क के लिए आदरणीय भैया ने मंजूर करे। पूरी कांग्रेस पार्टी और सारे नेताओं ने मिलकर उसका भूमि पूजन किया और बहुत शानदार तरीके से वो सड़क बन गई। कुछ दिन बाद वो सड़क भैया ने अपने कार्यकाल में अपने हाथों से, इन पवित्र हाथों से, इन सज्जन हाथों से उस सड़क को मंजूर दे दी और आज वो सड़क अभी अनकंप्लीट पड़ी है। 5 साल होने को है भारतीय जनता पार्टी के इन चोरों की सरकार ने उस सड़क को अनकंप्लीट करके रखा है। आदरणीय सज्जन भैया, निश्चित रूप से ये सड़क आपके हाथों से संपूर्ण होना है। मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूं, आपका जैसा भी दिशा निर्देश होगा निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।